तो कैसे हो मेरे भाइयों, मैं हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो हमारा आज का टॉपिक HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे रिलेटेड होने वाला है। तो आप लोगों को टाइटल के द्वारा पता चल गया होगा, टाइटल या थंबनेल के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ कि मेरे नेट बैंकिंग में लॉगिन होके कि कैसे इसको, मतलब जो पहले मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता था फ्रीडम था, तो अभी मुझे अपग्रेड का ऑप्शन आया है। तो अपग्रेड का ऑप्शन आने के बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बिजनेस मनी बैक का ये क्रेडिट कार्ड है, इसमें अपग्रेड का ऑप्शन आया, तो इससे कैसे अपग्रेड करना है तो मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। ये एक नेक्स्ट लेवल का कार्ड है, मतलब उतना भी हाई कार्ड नहीं है ये, मतलब जितना उसका चार्ज था उतना भी ये इसका भी वही चार्ज है, लेकिन मेरे केस में ऑफर में मुझे ये लाइफ टाइम फ्री मिला है। तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्ड का नाम है बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले आपको नेट बैंकिंग में जाना है, HDFC के नेट बैंकिंग में। उसमें जाके पहले आपको अपना जो नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है पहले। तो चलिए यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अपना कस्टमर आईडी या यूज़र आईडी जो भी कहते हैं आप यहाँ पे डाल के, और पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ पासवर्ड वगैरह डाल के, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारा इंटरफेस है, होम पेज है HDFC नेट बैंकिंग का। तो यहाँ पे देखिए आपको वेरियस ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, अकाउंट्स का, फंड ट्रांसफर, बिल पे एंड रिचार्ज, कार्ड्स, डीमैट अकाउंट, और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस वगैरह। तो यहाँ पे देखिए आपको कार्ड्स के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमको अपना कार्ड जो है अपग्रेड करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्टिव क्रेडिट कार्ड होगा आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड का सेक्शन वगैरह नहीं आ रहा तो आप समझ जाइए कि आपका कोई क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं है अभी, या आप कभी लिंक नहीं किए हैं इस अकाउंट से। तो अगर आपको कार्ड क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आप देखेंगे ट्रांजैक्ट का ऑप्शन है, इंक्वायरी का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। तो आपको देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, थर्ड और सेकेंड में, क्रेडिट लिमिट इन्हेंसमेंट। तो यहाँ पे मेरे जो क्रेडिट लिमिट इन्हेंसमेंट का जो ऑप्शन है अभी मतलब अनेबल नहीं हुआ है, कोई ऑफर नहीं है। और यहाँ पे देखिए नीचे एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो ये ऑफ़र बेसिकली आपको मतलब हर बार नहीं रहता है, अगर आप मान लीजिए आप अपना कार्ड अच्छे से इस्तेमाल करना है, अपना पेमेंट वगैरह किए हैं, तो HDFC के द्वारा ही आपको प्रोवाइड किया जाता है कि मतलब आप किस कार्ड में अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वेरियस ऑप्शंस, तो मेरे केस में सिर्फ बिजनेस का है। तो यहाँ पे पहले आपको कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, तो अगर आपके पास मल्टीपल कार्ड्स है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में यही मेरा कार्ड है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड और लिमिट इन्हेंसमेंट का यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो करंट जो मेरा लिमिट है यहाँ पे देखिए 28,000 है, एलिजिबल क्रेडिट लिमिट 28 सेम ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए अपग्रेडेड कार्ड जो मेरा नया कार्ड आएगा उसका भी लिमिट 28 ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए अपग्रेड टू, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका मल्टीपल ऑप्शंस है तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मेरे केस में देखिए VC प्लैटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड, सॉरी जो क्रेडिट कार्ड है मनी कैशबैक का यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपको वेरियस ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप जाके नेट बैंकिंग में हर एक कार्ड का पूरा डिटेल्स चेक करके आपको कौन सा जो कार्ड है बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हैं। तो मेरे केस में यही कार्ड है तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा जो एनुअल मेंबरशिप फ़ी है वो ज़ीरो है क्योंकि ये मेरे को ऑफ़र में मिला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड कन्वर्जन रेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 60%, जो मेरा पुराना कार्ड है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे नोट में आपको पूरा इंक्वायरी देखने के लिए मिल जाएगा, डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा, आपका जो नया कार्ड आप अपग्रेड कर रहे हैं उसमें क्या क्या फीचर्स वगैरह रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लीज़ रेफर अबाउ द एनुअल मेंबरशिप फ़ी, तो देखिए यहाँ पे अपग्रेड्स आर ऑफर्ड एज लाइफ टाइम फ्री, तो यहाँ पे देखिए नो फीस, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर फी, नो ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, अगर मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पे, जैसे बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्रेडिट कार्ड पे अगर हमारा लोन है या क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट हुआ है वो कैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही अपना जो नया क्रेडिट कार्ड ऑर्डर करेंगे, प्लेस करेंगे, तो जो आपका पुराना बिल रहेगा, नंबर तो चेंज हो जाएगा लेकिन जो आपका पुराना बिल वगैरह रहेगा, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल होता है या लोन अमाउंट जो रहता है, वो आपके इस क्रेडिट कार्ड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिल जनरेट हो गया है तभी भी कोई बात नहीं, अगर आपका बिल नहीं भी जनरेट हुआ है तो आराम से इस कार्ड में नॉर्मली आपका जैसे पुराना कार्ड चलता है वैसे ही ये कार्ड मतलब पूरा चीज़ इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मैनुअली करना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो इस बात में मैं ये पर्टिकुलरली क्लियर कर देता हूँ। तो आपको इस तरीके से अपना जो क्रेडिट कार्ड लिमिट इन्हेंसमेंट का प्रॉब्लम है
इशू करवाना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं इस वीडियो में पूरा कवर कर चुका हूँ। आप जैसे यहाँ पे देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर एड्रेस रहेगा इस नेट बैंकिंग सॉरी जो HDFC का बैंक रहेगा, रजिस्टर एड्रेस पे ही आपको कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो विद इन 7 डेज़ के अंदर आपका कार्ड आ जाएगा। पुराना कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा, आप उसे चला नहीं पाएंगे। और नए कार्ड का जैसे कि मैं आपको बताया पूरा चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपका लोन अमाउंट हुआ या कोई बिल हुआ या अनबिल्ड अमाउंट कुछ भी हो, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी, यहाँ तक कि जो पुराने कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रहेंगे वो भी आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर कोई डाउट है, सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स दिया हूँ, लिंक्स दिया हूँ, आप जाके वहाँ पे मेरे को फॉलो करके बात कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।